नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल क्यूरिनी आयुर्वेदा में। आज हम बात करने वाले हैं जिस हेल्थ टिप्स के बारे में, वो है पैर दर्द का घरेलू इलाज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, पैर में दर्द जब उठता है तो बर्दाश्त के बाहर होता है। उसके लिए हम कई प्रकार से दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बाम लगाते हैं, जेल लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक होने का नाम नहीं रहता। जिसकी वजह यह होती है कि हमें रात भर अच्छे से नींद नहीं आ पाती और पूरा दिन हमारा चिड़चिड़ापन रहता है शरीर। लेकिन इसके साथ आपको बता दें, पैर दर्द के कुछ घरेलू उपचार हैं जिसकी मदद से आप पैरों के दर्द से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। आप सभी को बता दें, अगर आप रोज़ाना पैर दर्द से परेशान हैं तो ऐसे में गर्म पानी में नमक डालें और 10 से 15 मिनट पैर रखें। इससे पैर के साथ पैरों के सूजन से भी राहत मिलेगी। इसी के साथ ही रात में सरसों के तेल से पैरों के तलवों की मालिश, ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाता है, जिससे कुछ ही देर में पैर दर्द में आराम मिल जाता है। साथ ही साथ तीसरा बड़ा उपाय यह है कि पैरों के दर्द को दूर करने में लौंग का तेल भी बेहद फ़ायदेमंद होता है, जिसके लिए आप लौंग के तेल से पैरों की हल्के हाथ से मसाज करेंगे तो पैर का दर्द दूर होता हुआ दिखाई देगा। पैरों के दर्द के लिए गर्म पानी की सिकाई की तरह ही बर्फ़ की सिकाई करना भी बेहद कारगर होता है। इसके लिए एक बर्फ़ का क्रश करके एक कपड़े में बांधकर पैरों में दर्द वाली जगह पर कुछ देर रख दीजिए। इससे होगा ये कि वह जितना जगह होगा पर्टिकुलर एरिया सुन्न हो जाएगा। सुन्न होने के बाद जो दर्द होगा वो गायब हो जाएगा। इससे आपके पैर के दर्द की सूजन भी दूर हो जाएगी और पैर का दर्द भी दूर हो जाएगा। पैर दर्द को ख़त्म करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद बताया जाता है। हल्दी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के साथ कर्क्यूमिन नाम का एक यौगिक पाया जाता है, जो दर्द को कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो ये है ऐसे 5 उपाय जिनके वजह से आप पैरों के दर्द को झटपट दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ चैन की गहरी नींद ले सकते हैं। उसके बाद जितना चलना हो उतना चल सकते हैं, पैरों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं इन घरेलू उपचार से। आशा करते हैं आपको हमारी हेल्थ टिप्स पसंद आई होगी। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।